अगर हमारे देश के ट्रायल कोर्ट्स, जिनके पास वारंट करने का अधिकार होता है, नॉन बेलेबल वारंट्स इशू करने का अधिकार होता है, किसी को अरेस्ट करके पेश करने का अधिकार होता है, वो गलती से ऐसे ऑर्डर पास करने लग जाएं, गलती से नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दें, तो क्या होगा? और अगर कोई गरीब इंसान हो जिसकी सैलरी भी इतनी नहीं कि वो किसी वकील को हायर कर सके, वकील की एक दिन की फीस के बराबर भी उसकी सैलरी ना हो, अगर कोई ऐसे गरीब इंसान के ऊपर ऐसे नॉन बेलेबल वारंट हो जाए जो कि कोर्ट ने गलती से कर दिया हो, तो आप सोचो कि क्या होगा। ऐसा ही एक क्लाइंट हमारे पास आया जो कि बहुत गरीब है, बस कंडक्टर है, जिसकी महीने की सैलरी सिर्फ 20,000 है। 498A का उसके और उसके फैमिली मेंबर्स के ऊपर केस चल रहा है और उसको हाई कोर्ट से एग्जेम्पशन मिली हुई है। उसको और उसके पूरी फैमिली मेंबर्स को ट्रायल कोर्ट में अपीयर ना होने का स्पेसिफिक हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ था। उसके बावजूद भी ट्रायल कोर्ट ने, यानी जहां पर ट्रायल चल रहा था उस ट्रायल कोर्ट ने, एक डेट पर ये लोग नहीं अपीयर हुए तो ट्रायल कोर्ट ने डायरेक्टली नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू कर दिए, ऑर्डर पास कर दिया नॉन अवेलेबल वारंट का। जबकि इस ट्रायल कोर्ट के पास में हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था एग्जेम्पशन वाला, यानी आरोपियों को पेश नहीं होना है, ऐसा ऑर्डर था, वो ऑर्डर प्रीवियस डेट पर इन कोर्ट, इन ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया था प्रीवियस डेट पर। उसके बावजूद भी ट्रायल कोर्ट ने स्ट्रेट अवे नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू कर दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है सभी ट्रायल कोर्ट्स के लिए देश में कि अगर 7 ईयर तक की पनिशमेंट किसी ऑफेंस में है और उस ऑफेंस में अगर आरोपी पेश नहीं होता है तो आप सबसे पहले बेलेबल वारंट्स इशू करिए, उसके बाद भी अगर कोई पेश नहीं होता तो नॉन बेलेबल वारंट्स इशू कीजिए। लेकिन यहां पर ट्रायल कोर्ट ने डायरेक्टली नॉन बेलेबल वारंट्स इशू कर दिए, बेलेबल वारंट भी पहले नहीं इशू किया। और इनफैक्ट यहां पर तो हाई कोर्ट से एग्जेम्पशन ऑर्डर था आरोपियों को, और वो हाई कोर्ट का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट के पास प्रीवियस डेट पे सबमिट भी किया हुआ था, लेकिन ट्रायल कोर्ट से गलती हो गई, उन्होंने प्रीवियस ऑर्डर देखा नहीं। और ऑपोजिट पार्टी ने आकर बोला होगा कि हम तो एविडेंस के लिए खड़े हैं, हमारा एविडेंस लीजिए, तो ट्रायल कोर्ट ने देखा आरोपी पेश नहीं है, विटनेस पेश है, और सीधा नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया। उसके बाद से तो क्लाइंट बहुत ज्यादा डर गया, उसके सिर पर अरेस्ट की तलवार है, मैम मैं कहां जाऊं, कहां जाके छुपूं, मैं तो बस में कंडक्टर हूं, मेरी मदर भी इसमें एक्यूज है, तो मदर को मैं कहां लेकर जाऊं, मेरी मदर को मैं गांव में छोड़ू तो गांव में तो पुलिस नहीं आ जाएगी, मैं जहां काम करता हूं वहां तो पुलिस नहीं आ जाएगी, तो क्या मैं एक महीने की छुट्टी निकालूं, क्या मैं कहां जाऊं। तो ऐसी सिचुएशन ट्रायल कोर्ट की गलती की वजह से हो गई। अब ऐसे ट्रायल कोर्ट अगर गलती करेंगे तो एक गरीब इंसान क्या करेगा, कहां जाएगा? एक ऐसा गरीब इंसान जिसकी सैलरी भी इतनी नहीं कि एक हाई कोर्ट का वकील अपनी फीस भी जिससे ले सके, ऐसा गरीब इंसान कहां जाएगा? तो देश में कितने ट्रायल कोर्ट्स में ऐसी गलती हो रही होगी। यहां तो हमने इमीडिएटली, जैसे ही क्लाइंट ने हमें कांटेक्ट किया, हमने इमीडिएटली हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग पिटीशन डाली कि ये इलीगल है नॉन अवेलेबल वारंट का ऑर्डर, और हाई कोर्ट में हमने पिटीशन डाली। और हाई कोर्ट में पिटीशन डालते ही फर्स्ट डेट पर कोर्ट ने नोटिस किया और साथ में स्टे कर दिया, इस इलीगल नॉन अवेलेबल वारंट को स्टे कर दिया। जैसे ही हाई कोर्ट ने स्टे किया और ये स्टे ऑर्डर ट्रायल कोर्ट के पास पहुंचा, तो ट्रायल कोर्ट ने जब देखा तो उनको इमीडिएटली अपनी गलती रियलाइज हुई। उन्होंने तो कहा, अरे ये तो हमसे गलती हो गई, नॉन अवेलेबल वारंट हम इशू कर ही नहीं सकते थे क्योंकि यहां तो एग्जेम्पशन मिली हुई थी। ऑन द डेट, सेम डेट पर ट्रायल कोर्ट ने अपना खुद का नॉन अवेलेबल वारंट का ऑर्डर कॉल बैक कर लिया, खुद का ऑर्डर कॉल बैक कर लिया एक क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट ने, लोअर कोर्ट। आप देखिए, वो मैं ऑर्डर यहां पर लगा रही हूँ, पार्टीज नेम और केस नंबर मैं प्राइवेसी रीजंस की वजह से हटा रही हूं, लेकिन आप ऑर्डर देखिए कि एक मैजिस्ट्रेट ने अपना खुद का ऑर्डर कॉल बैक किया नॉन अवेलेबल वारंट का। लेकिन इस ऑर्डर को लेने के लिए उस गरीब इंसान को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। यहां तो हमने हेल्प कर दी, लेकिन ऐसे कितने देश में गरीब लोग होंगे जिनके ऊपर इस तरह से गलती से अगर नॉन अवेलेबल वारंट होने लगेंगे, इस तरह से गलती से अरेस्ट की तलवार सिर पर आ जाएगी और वो रेमेडी नहीं कर पाएंगे और अरेस्ट हो जाएंगे, तो फिर हम किस बात की न्याय व्यवस्था की बात करते हैं? तो ये बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइंस ऑन पेपर देते हैं वो प्रैक्टिकली भी ट्रायल कोर्ट्स में फॉलो होने चाहिए। इवन इफ ट्रायल कोर्ट को अगर ये ध्यान नहीं था कि प्रीवियस डेट पर उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था एग्जेम्पशन का, तो एग्जेम्पशन होते हुए भी नॉन अवेलेबल वारंट नहीं करना चाहिए था।
लेकिन फिर भी अगर उनको ऑर्डर का ध्यान नहीं भी था हाई कोर्ट का, तो वो बेलेबल वारंट करना चाहिए था सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सतेंद्र कुमार अंतिल की जजमेंट के अनुसार, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट नॉन बेलेबल वारंट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस प्रैक्टिकली भी फॉलो होनी चाहिए, और मैंने तो आपको आज यह प्रैक्टिकल उदाहरण दे दिया कि ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिकली वो गाइडलाइन इन स्पिरिट फॉलो नहीं हो रहे हैं जो कि होने चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कई बेंचेस ने कई केसेस में कई बार चिंता जताई है कि ट्रायल कोर्ट्स जो हैं वो आर्बिट्ररी ऑर्डर पास करते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह की गलती कर देना कि गलती से आप किसी के ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर रहे हो, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट्स यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो वारंट इशू कर सकते हैं, नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू करने की पावर उनके पास है किसी एक्यूज की प्रेजेंस लेने के लिए। तो जिनके पास इस तरह की पावर है, अरेस्ट की पावर है, उनको तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए, ताकि उनकी गलती की वजह से कोई गरीब इंसान को इस तरह से सफ़र ना करना पड़े, ऐसी सिचुएशन किसी गरीब इंसान के साथ दोबारा ना आए।